Hello everyone, welcome to Farheen Classes. Indian Polity by M. Lakshmikant. इस बुक के चैप्टर वाइज लेक्चर सीरीज देख रहे हैं आप लोग. इस तरह के और भी लेक्चर्स और वीडियोस को देखने के लिए फरहीन क्लासेस इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो पाए. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक जो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये रहेगा इसका फर्स्ट पार्ट. ओके, ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है वो सारे वीडियोस को देखना तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा. और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये न्यू चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन जो प्रीएम्बल जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो देख लेते हैं. ओके, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने शुरुआत की थी इस प्रीएम्बल की. ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से ऐड किया था. सो प्रीएम्बल का मीनिंग क्या होता है? प्रीएम्बल मतलब होता है इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस कह सकते हैं हम लोग. जिस तरह से किसी भी बुक को हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसकी शुरुआत एक प्रीफेस से होती है ना, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस बुक के अंदर आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो उस बुक का पूरा सोल हम लोग कह सकते हैं. जस्ट उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रीफेस है ये प्रीएम्बल, जहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन मिलता है. कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं वो सारा उसका रिफ्लेक्शन, ओके, उसका इंट्रोडक्शन वो हम लोग देखते हैं इस प्रीएम्बल में. ओके, एन ए पालकीवाला उन्होंने प्रीएम्बल को काफी अच्छा इसका डेफिनेशन दिया था दैट इट इज कॉल्ड एन इट कैन बी टर्म्ड एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हम लोग प्रीएम्बल को कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है. इट मींस कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान है. ओके, इसके अलावा प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये किस चीज़ पर बेस्ड है? ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया था, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चैप्टर में. ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा. तो वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही बेस्ड है, इस बेसिस है इस प्रीएम्बल का. ओके, एंड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस प्रीएम्बल से जुड़ा हुआ कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में, इस अमेंडमेंट के जरिया 3 इंपॉर्टेंट और न्यू वर्ड्स डाले गए थे हमारे इस प्रीएम्बल में. ओके, वो क्या क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल सोशलिस्ट, देन सेक्युलर और थर्ड वन वॉज इंटीग्रिटी. ये 3 टर्म्स ऐड किया गया था प्रीएम्बल में बाय दिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. ओके, तो ये रहा हमारा प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ओरिजिनल प्रीएम्बल. ओके, इसे एक बार पढ़ लेते हैं. दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस. जस्टिस कितने तरह की? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Then equality of status and of opportunity and to promote among them all. उसके बाद है fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये रहा preamble. और इसमें जितने भी सारे important जो ये टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसे हाईलाइट किया गया है, इन सारे टर्म्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले देख लेते हैं कि ये जो प्रीएम्बल हम लोगों ने पढ़ा इसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है. 4 इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को मिलता है इसमें, या हम लोग कह सकते हैं 4 कॉम्पोनेंट्स प्रीएम्बल का. 4 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो को अथॉरिटी जो मिली है इसका सोर्स क्या है. इसका सोर्स क्या है? अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अथॉरिटी डिराइव कर रही है वो कहाँ से? वी द पीपल ऑफ इंडिया. जिस तरह से प्रीएम्बल की शुरुआत होती है यही बताता है कि अथॉरिटी का जो सोर्स है वो कौन है? पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग हैं. देन नेचर समझ में आता है हमें प्रीएम्बल पढ़ने के बाद कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया को डिक्लेयर किया गया है टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी. ठीक है, इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है. स्पेसिफाई कर रहा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को. ओके, एंड साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें प्रीएम्बल से कि किस दिन प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था, और वो डेट क्या है? 26 नवंबर 1949.
9. ओके, तो ये चार इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के. नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट टर्म सॉवरेन. सॉवरेन का मीनिंग क्या होगा? सॉवरेन का मतलब ये है कि इंडिया डिपेंडेंट नहीं है किसी भी कंट्री पर और ना ही ये किसी कंट्री और नेशन का डोमिनियन है. ठीक है, इंडिया बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट स्टेट है. बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंडिया इज फ्री. ओके, सो कोई भी अथॉरिटी इसके ऊपर नहीं है जो इसको कह सकते हैं कि कंट्रोल करे. फाइन, इंडिया इतना इंडिपेंडेंट हो चुका है अब कि अपने सारे इंपॉर्टेंट अफेयर्स को वो खुद ही कंडक्ट कर सकता है, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली. इसके बाद 1949 में हम लोग देखते हैं कि इंडिया ने डिक्लेयर किया था अपनी इस चीज़ को कंटिन्यू करना कि ये फुल टाइम मेंबरशिप लेगा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का. तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया की जो सॉवरेंटी है उस पर ये मेंबरशिप किसी भी तरह से अफेक्ट करेगा. ओके, इंडिया सॉवरेन है, इसकी सॉवरेनिटी पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर ये इस मेंबरशिप को कंटिन्यू भी कर रहा है. ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के मेंबरशिप को. फाइन, सो बीइंग अ सॉवरेन स्टेट इंडिया कैन आइदर अक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी. अब जब के ये इंडिया जो है ये एक सॉवरेन स्टेट है, इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर कर सकता है, अपने स्टेट में शामिल कर सकता है और साथ ही अपने कुछ पार्ट को सीड भी कर सकता है किसी फॉरेन स्टेट के फेवर में. ठीक है, दे भी सकता है और अक्वायर भी कर सकता है. ये रहेगा सॉवरेन का मीनिंग. नेक्स्ट देखेंगे सोशलिस्ट. ये टर्म ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को. ओरिजिनल प्रीएम्बल में ये टर्म, ये वर्ड नहीं था सोशलिस्ट वर्ड. इसे कब ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में. कांग्रेस पार्टी ने खुद ही अवधि सेशन में जो 1955 में हुआ था इसमें इस चीज को, रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था कि सोशलिज्म जो है वो ऐड किया जाएगा इंडिया में. ठीक है, सो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म अगर हम लोग देखते हैं तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है. ओके, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका नेशनलाइजेशन देखने को मिलता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया जाता है. दूसरी तरफ इंडिया में जो हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिक्स इकोनॉमी जहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ही साथ साथ कोऑपरेट करके काम कर रही है. ओके, इसलिए इंडिया के सोशलिज्म की बात अगर करी जाए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. और इंडियन सोशलिज्म को एक और तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ मार्क्सिज्म और गांधीज्म, ये दोनों जो है इन दोनों का ब्लेंड देखा जाता है. ठीक है, इंडियन सोशलिज्म किसका ब्लेंड है? मार्क्सिज्म है, गांधीज्म का. और ज्यादा अगर वेटेज देखा जाए तो वो गांधीयन सोशलिज्म की तरफ है. ओके, बिकॉज मार्क्सिज्म जो मार्क्सियन सोशलिज्म जो था वो ज्यादा नॉन वायलेंट था, सॉरी. और गांधीयन सोशलिज्म अगर हम लोग देखते हैं तो गांधी जी हमेशा ही नॉन वायलेंस की बात करते हैं. ओके, और मार्क्स चाहता था, मार्क्स जो है वो उनका क्या था थ्योरी कि क्लास स्ट्रगल होगा, रिवॉल्यूशन आएगा, प्रोलेटेरियट लोग रिवॉल्यूशन लाएंगे. ठीक है, और इस तरह से डिक्टेटरशिप बनाया जाएगा प्रोलेटेरियट का. तो वो एकदम डिफरेंट है. हालांकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हम लोग कह सकते हैं कि मार्क्सियन सोशलिज्म का लिया गया, इसीलिए कहा गया है कि ब्लेंड है इन दोनों का, लेकिन ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है? गांधीयन सोशलिज्म. नेक्स्ट है ये इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी 91 में, जहां LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये सामने जब आया था, ये इन सारी चीजों को अडॉप्ट किया था इंडिया ने. देन यहीं से आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली जो है इंडिया का जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल है वो डाइल्यूट होना शुरू हो गया था. ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सेक्युलर. सेक्युलर भी ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं था, इसको भी ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में. और सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कह दिया था कि हालांकि अगर हम लोग देखते हैं कि कहीं पर भी सेक्युलर वर्ड का यूज नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसके इतने सारे प्रोविजन अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि आर्टिकल 25-28 जो राइट टू रिलीजन के बारे में ही है, तो यहाँ से इंडिया का सेक्युलर नेचर पूरी तरह से सामने आता है. ठीक है, रिवील होता है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलरिज्म की बात की गई है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है जहां पर हर एक रिलीजियन को इक्वालिटी देने की बात, मींस सेम स्टेटस दिया जाएगा और एक तरह का सपोर्ट मिलेगा स्टेट की तरफ से. ठीक है, ये इंडियन जो सेक्युलरिज्म है ये इसका ये फीचर है. हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को सामने रखा गया है. ओके, देन है डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम कंट्रोल, सुप्रीम पावर डायरेक्टली. ठीक है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में होता है. ओके, और इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो है जहाँ पे हम लोग जिस तरह से रिप्रेजेंटेटिव को अपने इलेक्ट करते हैं.
ओके जो पीपल है कॉमन पीपल वही इलेक्ट कर रहे हैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो उन लोगों के पास सुप्रीम पावर रहता है, वो गवर्नमेंट चलाते हैं, लॉज बनाते हैं, जिस तरह से इंडिया में फॉलो होता है. ओके और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पास ही सुपर पावर होता है, सुप्रीम पावर होता है. ओके सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड दस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉस. ये कहलाएगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसा कि इंडिया में होता है. अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, एक है पार्लियामेंट्री, दूसरा है प्रेसिडेंशियल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट्री क्यों? बिकॉज हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, तो इसलिए इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, ठीक है, अपने सारी पॉलिसीज और एक्शंस के लिए. सो ये टर्म डेमोक्रेटिक जो है ये प्रीएम्बल में काफी ब्रॉडर सेंस में लिया गया है. यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं कही गई है, सोशल इकोनॉमिक सारे सभी तरह के डेमोक्रेसी को इसके अंदर लाने की कोशिश की गई है, ठीक है. ये वर्ड डेमोक्रेटिक जो यहाँ हमें मिलता है प्रीएम्बल में, तो प्रीएम्बल डेमोक्रेटिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ओके यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक ये दो जो डेमोक्रेसी है इन दोनों को भी साथ में रखा गया है. सो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने प्रीएम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा. अभी और भी बाकी हैं, दूसरे सारे और दो तीन पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी आपका वीडियोज मिस ना हो पाए. ओके सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय.